सरकारी भूमि को लेकर प्रशासन के कदमों की आजाद ने की तारीफ। टोडा ठाठरी में लगातार कानून उधर आ रहे हैं। यूथ फेस्टिवल के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जम्मू पहुंचे हैं और उन्हें जमकर सरकार की पीठ थपथपाई। रेवरे खेल का प्रोटेस्ट आज भी जारी रहा। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, सारा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। पीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। नमस्कार, तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। जी सतीश जी, सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि को लेकर, सरकारी भूमि को लेकर। ये बहुत दिनों से जो चर्चा में है इसको लेकर आजाद गुलाम नबी आजाद भी चर्चा में रहे। पहले तो कुछ दिन पहले चर्चा इस बात की थी कि डोडा ने जो एक नोटिस निकाला, जो एक लिस्ट निकाली, उसमें गुलाम नबी आजाद, उनके परिवार, उनके दोस्तों के पास बहुत बड़ी भूमि थी, कई सौ कनाल भूमि थी। और उसके बाद गुलाम नबी आजाद ये चर्चा में रहे कि उन्होंने जाके होम मिनिस्टर से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि इस ड्राइव को रोका जाए। और आज गुलाम नबी आजाद ने एक और स्टेटमेंट दी है, उन्होंने एलजी साहब की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा जितने भी बड़े बड़े जमीनें हैं, जिनों के पास सरकारी जमीनें हैं, उनसे खाली करवाना चाहिए। हालांकि एलजी साहब ने कल चीफ सेक्रेटरी ने भी जबरदस्त ऑर्डर किया है, उन्होंने कहा कि इन जमीनों को खाली करना ही पड़ेगा। कोई भी एडवोकेट या कोई भी इनके सिलसिले में कुछ स्टे लेने के लिए कोई जाता है तो उस समय वो अदालत में हाजिर नहीं होता, जब किसी बात में वो पीछे हटता है तो उस पर भी सरकारी जो है कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए ना, हम पहले आजाद साहब की तो बाद में जिक्र करते हैं। पहले तो ये जो कल चीफ सेक्रेटरी ने बैठक बुलाई थी, इसी विषय तो कही थे, एक विषय जो भी था उसका जो हमें जो जानकारी मिल रही है, जो एक मायने में सरकारी जो हैंड आउट समझ लिए, जो उसमें आपने ठीक कहा, उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि जो गरीब अथवा मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो एक ड्राइव चल रही है ऑलरेडी सुंजमार भटिंडी में, जो लोग सड़कों पर उतरे, वो कहीं जिक्र नहीं है कि वो चलेगी या रुकेगी। दूसरा, उन्होंने जो खुलासा किया है कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा। तीसरी बात यह है कि जो अधिकारी इसमें कोताही बरते हैं, कहना साफ है कि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मैंने कोई लैंड ग्रैबिंग किया है, अधिकारी रसा बताए थे कोर्ट चले जाइए, हम चुप, हम डेट पर नहीं आएंगे। तो उन अधिकारियों को भी वार्न किया है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे को जिम्मेदार अकाउंटेबल किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये जो जिस प्रकार से बैठक की खबरें बाहर निकल कर आई हैं, इसका मतलब है कि तेवर ढीले पड़ने वाले नहीं है। सरकार शासन जो है वो अपना जो पीला पंजा है उसका जलवा बरकरार रखेगी। अब आते हैं आजाद साहब पे। आजाद साहब को लेकर कई बार लगा है उनके बयानों से, हाव भाव से, कि वो बड़ी एक कन्फ्यूजन स्टेट में है। वो लगता है कि कहीं परेशान से लगते हैं कि आखिर मैंने क्यों कदम उठाए। उसका कहीं ना कहीं प्रतिलक्षित जो है उनके बयानों से साफ दिखाई देता है। उन्होंने कल जो खबर ये आई थी कि जो मीडिया पे प्रसारित हुई उसका कोई एविडेंस नहीं है, MHA ने कोई बयान नहीं जारी किया। ये उन्हीं के तरफ, उनके लोगों की तरफ से इस प्रकार का प्रचार किया गया जैसे कई बार संघ कर देता है। उन्होंने कहा कि छोटे जो गरीब लोग हैं उन पर ये नहीं होना चाहिए, चूँकि उन्हीं के बंदे आजाद की DAP ने वहाँ पर डोडा में और बनिहाल में, रामबन में, इस प्रकार के प्रोटेस्ट किए जिन लोगों पर पीला पंजा गाज गिरने की आशंका बनी हुई थी। तो इस बीच अब आजाद साहब का ये आज बयान आया है कि उन्होंने LG साहब के इस कदम की तारीफ की है, जमकर तारीफ की है। साथ में उन्होंने बड़े चालाकी से जोड़ा है जो बड़े मगरमच्छ हैं उनके खिलाफ अभियान जारी रहना चाहिए। तो अब समझ नहीं आता कि आजाद साहब के मन में क्या, सोच में क्या है। और जिस ओर आपने इशारा किया कि करीब 10 दिन पहले की बात है, जब डोडा के जो रेवेन्यू एडिशनल DC है उन्होंने बकायदा DIPCOM को लिखा है। DIPCOM लगता है उस फाइल पे कोई, लग रहा है अभी कोई मूवमेंट दिख नहीं रही, ना कोई जुम्बिश दिखती है हमें यहाँ जम्मू में जो DIPCOM बैठे हैं। तो वो जमीन में कई सौ कनाल का जिक्र आया जो आजाद और उनके परिवार के लोगों की बात थी। तो हम समझते हैं अब तीसरी एक ये भी बात उड़ी कि शायद ये हो सकता है कि अपनी जमीन बचाने के लिए आजाद उनको ये कहीं घुट्टी पर ला के आए कि कांग्रेस को ऐसे निपटाया जा सकता है। तो हम समझते हैं कुल मिलाकर ये हमें लगता है कि गुलाम नबी आजाद के दिमाग में कई तरह की धाराएं बह रही हैं। वो धाराएं अपनी जमीन को बचाने की भी हो सकती है,
वो धाराएं लोगों को दिग्भ्रमित करने की भी हो सकती है, मैं आपके लिए। तीसरा, चूंकि जिस प्रकार पिछले दिनों जयराम रमेश ने उनको लेकर तीखे बयान दिए कि जयचंद है, और ये तो लोग भी कहते हैं, जिस प्रकार कांग्रेस में करीब 4 दशक से ज्यादा केंद्र बिंदु रहे और जम्मू कश्मीर के मुगले आजम के तौर पर उन्होंने पूरा जलवा बखेरा, तो मैं समझता हूँ कि लेकिन उन्होंने खुद को आहत महसूस किया है, ये भी हो सकता है, क्योंकि उनके आसपास जो लोग हैं वो उसी तरह के लोग हैं जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि सलाहकार अगर ऐसे हों तो नेता के डूबने में कोई कमी नहीं होती। जिस प्रकार समझना चाहिए कि दो नाबू से वो पार, यस असली बात ही है। जी, डोडा में ढाटरी में जब हमने कल भी उसकी चर्चा की थी कि दरारें पड़नी शुरू हो गई है, पहले तो एक आध घर में पड़ी थी, बहुत से घरों में दरारें पड़ी है, आज भूस्खलन भी हुआ है वहां पर, रास्ता भी बंद रहा है डोडा और ढाटरी का हाईवे घटा बंद रहा है, तो अभी हालात इसके दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, और वो इसे सिर्फ ढाटरी नहीं, इससे लग रहा है कि कहीं और भी जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से काम हो रहे हैं, जिस तरह से उत्तराखंड की बात हो रही है तो हम समझते हैं कि वहां भी दरिया बहता है और यहाँ भी चिनाब दरिया से सटा हुआ है, बिल्कुल ठाठरी बिल्कुल उसके, ये समझ लीजिए उसके कॉर्नर पर है। हम तो कई बार गए वहां जब टेलीविजन में थे सारा में, कई स्टोरी ठाठरी की हमने, तो अब आज करीब 2 दर्जन मकान उसकी जद में आ गए उसी तरह क्रैक्स पर। यह अलग बात है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि चिंता की बात नहीं है, सरकार को ऐसे बयान देने पड़ते हैं हौसला अफजाई के लिए, लेकिन जमीनी हकीकत जो है, जो हमारे वहाँ सूत्र बता रहे हैं पीपीएन लाइन के, वहाँ लोगों में खौफ है और अफरा तफरी है। हम समझते हैं कि सरकार को इसमें कोई एक अमल होता दिखना चाहिए, बयान से नहीं, बयान से कभी बात नहीं बनती। तो जो लोग इसकी जद में आ रहे हैं स्वाभाविक है कि वो अपने जीवन को बचाने के लिए और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए वो बड़े ऊपर की स्थिति में है। अब ये देखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या प्रदेश शासन है उसमें क्या ऐसा ठोस कदम उठाता है कि ताकि ये जो खौफ का माहौल बन रहा है उस पे उनको केंद्र से एक टीम भी आई है, वो जायजा ले रही है, वहां के सर्वे कर रही है, क्या रीजन है, किस कारण ये सारे दरारें आई हैं। लेकिन जिस तरह उत्तराखंड में जी बिल्कुल उस तरह से, यहाँ तक प्रशासन का सवाल है, जो लोकल प्रशासन है वहाँ पे डीसी डोडा के, उन्होंने इनको जो सेफ जगह है वहाँ सेफर साइड पे शिफ्ट किया, उनको खाली घर उनके खाली करवा दिए हैं। तो आगे हालात जो जैसे होंगे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के लिए ज्यादा मुश्किल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये बिल्कुल उसके किनारे पर हैं चिनाब दरिया के, टोपोग्राफी ऐसी है, खाई भी है दरिया भी है, तो दोनों तरफ उनके लिए दिक्कत है, भूस्खलन होता है, क्रैक्स, और ये जो क्रैक्स है ये इशारा साफ कर रहे हैं कि ये कोई बड़ी आपत्ति आने की ओर इशारा कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि वो ठीक है, भूगर्भीय विभाग के कई अधिकारी जो स्पेशलाइज हैं, अनुभवी हैं, एक्सपर्ट ही हैं, वो वहाँ भी गए थे उत्तराखंड और यहाँ भी भेजे जा रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि शासन की ओर से इनको समय रहते मदद मिल जाएगी। सी जी, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री आज एक यूथ फेस्टिवल के सिलसिले में जम्मू आए हुए हैं और उन्होंने जमकर बजट की तारीफ की है पीठ थपथपाई सरकार की। आज उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में, उन्होंने बजट को बड़ा जायज दिखाया और उसके साथ साथ ही वो इसकी ओपनिंग की है यूथ फेस्टिवल की जो आती है। नहीं बिल्कुल, देखिए गुलमर्ग में होने जा रहा है ये, 10 तारीख से शुरू होने जा रहा है हम समझते हैं, और ये दोनों प्रेजेंट थे, गवर्नर साहब भी रजीव साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब और अनुराग ठाकुर केंद्रीय जो खेल मंत्री है। ठीक है, पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन वो जो शब्द है अमृतकाल, हमें ये जानना है कि पूरे देश से उम्मीद की जा रही है वो अमृतकाल कब आएगा। फिर थपथपाई है, आंदोलित जो लोग हैं उसका हम चौथी खबर जिक्र करेंगे कि आखिर जब पीठ थपाई जा रही है जो खुजलाई जा रही है, ये भी देखने की बात है, क्योंकि लोग जो हैं हमें लग रहा है जिस प्रकार के जो वास्तव में अर्थशास्त्री हैं, हम देख रहे हैं उनकी बातें भी सुनते हैं कि उनका कहना है कि ये बड़ा गले ना उतरने वाला बजट है। जी, तो जैसे आपने कहा प्रोटेस्ट की, तो आज भी 49th डे है रायबरेली खेल का, उन्होंने टीचर्स जो है वो आज भी प्रोटेस्ट पर है। उसके बाद वीआरएस के जो उन्होंने जो एसटीसी के स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के है वो भी सब सड़कों पर है,
उससे पहले तो आपको पता ही है कश्मीरी माइग्रेंट बैठे हुए हैं, होमगार्ड बैठे हैं, आंगनवाड़ी बैठे हैं, तो ये प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं सारे उनके, अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं बिल्कुल, देखिए हमने अमृतकाल का पहले तो अमृतकाल इन विचारों के लिए लाया जो आंदोलन महीनों महीनों से ये कल्पना की जा सकती है कि एक आदमी जिसका कमाई का जरिया ना हो, जिसके बच्चे बड़े हो गए, चूंकि जितने आंदोलन चला रहे हैं इनमें सब कई तो उम्र दराज हो रहे हैं, वो कईयों के बच्चे बड़े होंगे, ब्याह शादी का, बीमारी का, तमाम खर्चे होते हैं। तो हम समझते हैं पहले तो जो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है उनको अमृतकाल इनकी समस्याओं में लेकिन, इसमें एक चीज और सामने, एक बार राहुल गांधी ने जब जम्मू कश्मीर का दौरा करने के बाद अपनी यात्रा के बाद वापस गए हैं दिल्ली, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं और जितने भी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के तहत है उनकी समस्या को उनके साथ बताया, उनकी हालात के बारे में बताया। लेकिन उसके बदले में आज जो है एलजी साहब ने भी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा मैंने कभी भी भिखारी नहीं उनको कहा, ये भी शब्द मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। उसके साथ उन्होंने कहा कि 6000 क्वार्टर जो है वहाँ पे हम श्रीनगर में बन के तैयार हो गया, इनको इनके लिए सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जा रहा है, इनके बारे में पूरी हम सोच रखते हैं, इनके बारे में जो भी होगा इनकी अच्छाई के लिए होगा, इसके बारे में जल्दी ही हम कोई और भी जो कदम होंगे वो उठाएंगे। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि उपराज्यपाल, हमने अक्सर जिक्र किया है, वो एक पॉलिटिकल बड़ी सोच के मालिक है और उनके काम साफ दिखते भी हैं, ऐसा नहीं है। और लेकिन असली बात आती है नौकरशाही की, नौकरशाही आखिर कौन से रास्ते दिखाती है उस पर बड़ा कुछ निर्भर करता है। राहुल गांधी जिसका जिक्र किया आपने, राहुल गांधी ने उन कश्मीरी पंडित से जो मिले थे यहाँ पर तब भी खबरें चली थी हैं, उनकी जो पीड़ा है, त्रासदी है, उसका जिक्र किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री को ये भी कहा कि मुझे आप पर यकीन है, ये एक नई जो लाइन सुनने मिली, अबल तो अभी तक तो राहुल गांधी हमला करते रहते थे, उन्होंने कहा मुझे यकीन है कि आप इस पर गौर फरमाएंगे और जो ये कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो दुखी हैं इनका कोई ना कोई समाधान करेंगे। और उपराज्यपाल ने ठीक कहा है, उनके लिए सुरक्षित मकान बनाए जा रहे हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हमें हमें पता है कि ये चीज़ ऐसी हो रही है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। तो हम समझते हैं कि देखिए एक सीमाएँ होती है, हमने पहले भी कहा कि जिस तरह वो कहते हैं जो माइग्रेशन, आप माइग्रेशन ठीक है आपकी तकलीफ 100% या 1000% वाजिब है, लेकिन हमें यह भी देखना है जो प्रजेवाल सोच रहे हैं वो देश भी सोचता है कि अगर ये चीज़ें करनी शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान तो अपने जो हिडन एजेंडा उसमें सक्सेस होगा, वो चाहता ही यही है कि घाटी हिंदू वहीं हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि उपराज्यपाल जो जिस तरीके सोच रहे हैं वो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर, तमाम परिस्थितियों को आंकलन करके वो बात कह रहे हैं। और हम समझते हैं कि जो आंदोलित खासतौर से जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं उनको थोड़ा, उनको भी दो कदम पीछे हटकर इस समस्या के निदान में आगे बढ़ना चाहिए। यह था तबसरा आज दोपहर तक का, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार। नमस्कार।